मिर्ज़ापुर के कछवा बाजार में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे बीजेपी के एमएलसी व पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की सपा और बसपा की सरकार में भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए कहा, इससे पहले नौकरी देने में इतना परिवार भ्रष्टाचार था कि हाईकोर्ट को पीसीएस परीक्षा कराने वाली संस्था लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तक को बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम में बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, आज योगी सरकार पूर्वांचल के विकास पर कार्य कर रही है, आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी। बीजेपी से अपने जुड़ाव और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता बेहद पवित्र और निश्चल होता है। पूर्वांचल के विकास के लिए भाजपा समुचित प्रयास कर रही है, इसमें और तेजी लाई जाएगी। इससे पहले की सरकार में इतना कुटुम्बवाद था कि हाईकोर्ट को पीसीएस की परीक्षा कराने वाली संस्था लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा। बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत ही पवित्र होता है। मिर्ज़ापुर में कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? जी भैया, ये मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ तभी से विभिन्न जिलों का मैं जाकर के स्वयं परिचय करने का मेरा प्रयास है। इस कड़ी में लगभग 55 जिले हमने संपर्क कर लिए हैं। उसी कड़ी में हमने आज भदोही में गया था और अभी मैं मिर्ज़ापुर की हद में हूँ। कल भी, आज और कल हमारे मिर्ज़ापुर में कार्यक्रम है। लोगों से मिलना, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ समझना, लोग हमको समझें, मैं उन लोगों को समझूँ, ये मेरा प्रयास है। यहाँ आते ही आपने देखा कि भदोही ज़िले की हद में घुसने के साथ ही लोगों ने इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान मुझे दिया है। विशेष रूप से मिर्ज़ापुर ज़िले में कछवा रोड से लेकर के कछवा बाजार तक लगभग 9 किलोमीटर की दूरी में कहीं ऐसा नहीं मिला कि जहां लोग नहीं रहे हों या खाली रहा हो। इस पूरी क्षेत्र में लाखों लोगों ने जो हमको स्नेह दिया है, जो हमको प्यार दिया है, वो अभिभूत करने वाला है, वो अविस्मरणीय प्यार है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं सबको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने पूर्वांचल के विकास की बात